हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्पेस क्लासेस में। मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भगन सर, जो कि हम सब शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस। चूँकि आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस का कॉलेज में पढ़ाई हो चुकी है, जो कि पेपर अभी नहीं हो पाया है, जो बीटी बोर्ड ने अभी 15 मार्च को डिसाइड किया है, वो भी पेपर आप सभी को देना है। किंतु आपकी क्लासेस जो सम सेमेस्टर की है वो चलाने का आदेश मिल चुका है, वह ऑफलाइन न होके ऑनलाइन चलेगा। तो यहाँ पर आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, कह लीजिए ऑल सेमेस्टर की क्लासेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं पढ़ाऊँगा। और रही बात आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग आदि की भी क्लासेस यहाँ पे एचपीएस क्लासेस में आप सभी को मिलेंगी। जैसा कि मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि यह बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट सिविल में भी हैं और कुछ पार्ट मैकेनिकल में भी हैं। और उनके जितने जितने पार्ट आपके मैकेनिकल सिविल में मिलेंगे वो सब भी आपके इलेक्ट्रिकल के इसी सब्जेक्ट में पढ़ा दिया जाएगा। तो आइए, सबसे पहला जो चैप्टर है वह है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, तो ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट अर्थात इसे हिंदी में हम कहेंगे दिष्ट धारा, दिष्ट धारा परिपथ का अवलोकन। इसमें हम पढ़ेंगे दिष्ट धारा परिपथ का अवलोकन। इस चैप्टर में हमको यह जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और यह कितने टाइप की है और उनके अंतर्गत चार्ज क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इन सभी के बारे में हम विधिवत जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है उस टॉपिक का हम नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहेंगे, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं वैद्युत या विद्युत नाम दिया जा रहा है। चूँकि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जिस एनर्जी का हम प्रयोग करके या इलेक्ट्रिकल डिवाइसों की सहायता से हीट एनर्जी चेंज कर सकते हैं या लाइट एनर्जी चेंज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह एनर्जी का वह रूप जिसकी सहायता से हम हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी परिवर्तित कर सकते हैं, उसी एनर्जी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? एक प्रकार की एनर्जी है जिसका हम कन्वर्जन किस में कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। किस प्रकार हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जो बल्ब है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता है, लाइट एनर्जी में। जैसे हीटर है, हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। जैसे मोटर, मोटर क्या है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हम उस ऊर्जा को जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की ये परिभाषा हो गई कि यह एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। तो ठीक, अब बातें आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक क्या होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह हो जाएगा कि अर्थात स्थायतिक वैद्युत, और जबकि सेकेंड पार्ट है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में कहेंगे भाई गतिक वैद्युत। अब इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होगी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होगी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वह इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, जिससे कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, जैसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न की गई जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। अब आप सोचेंगे कि घर्षण के द्वारा कहाँ बिजली उत्पन्न की जाएगी, आवेश उत्पन्न कहाँ किया जाएगा। भाई आप जानते हैं, अच्छे साथ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर हम अपने सूखे बालों को कंघे से रगड़ें तो सूखा जो बाल है वह धनावेशित और कंघा क्या हो जाता है, ऋणावेशित आ जाता है। ऐसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, जबकि कांच छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार घर्षण के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसी एनर्जी का नाम क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब आइए बात करते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वह एनर्जी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित की जा सकती है और जिससे कोई कार्य किया जा सकता है। इस एनर्जी आपके वैद्युत जनरेटर, जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, आदि द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग अपने कार्य में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज एक थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट किया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, केवल जिससे आप सभी को ये पता चल जाए कि अब HPH क्लासेस में जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच और अन्य ब्रांच की सब्जेक्ट हैं वो आपके विधिवत नेक्स्ट क्लास से चलने प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस क्लासेस को जितना से जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।